नमस्कार जी, मैं मंजू और आप सब कैसे हैं? आज मैं आपसे इस खूबसूरत दिखने वाले प्लांट जो कि एक श्रब है, एवरग्रीन श्रब है, जो ट्रॉपिकल अमेरिका का ये नेटिव है, तो इसके बारे में मैं इस सकुलेंट प्लांट के बारे में मैं आपसे बात करूंगी। ये यूफोर्विया फैमिली से बिलोंग करता है, तो इसको लगाना बहुत ही आसान है। इसकी बहुत सारी वैरायटी पाई जाती हैं और ये बहुत सारे नामों से जाना जाता है। जैसे कि किसी को इसके जो ये फ्लावर्स हैं, आप देख रहे हैं ये इसके फ्लावर्स, ये इसके जो ये फ्लावर्स हैं रेड कलर के फ्लावर्स, अगर इनकी शेप किसी को बर्ड की तरह लगती है तो उन्होंने इसका नाम जो है रेड बर्ड फ्लावर दे दिया। और इस तरह से ये भी लगे हैं, खिले हुए हैं, तो जिसको जैसे जैसे जो जो चीज़ अच्छी लगी और उसने अपने उसी तरीके से इसका नाम दे दिया। इसकी जो ये स्टेम्स होती हैं, ये देख रहे हैं आप, ये मिल्की या सैप रहता है इनमें, और ये जो जिगजैग लिए हुए इसकी स्टेम, ये देखिए आप, ये जिगजैग लिए हुए, तो अगर जिगजैग लिए हुए स्टेम है तो किसी ने इसको जिगजैग प्लांट के नाम से जानने लगे, तो सबने अपने अपने हिसाब से इसको नाम दिए हैं। कोई इसको डेविल्स बैकबोन के नाम से जानता है, तो आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, बहुत सारे नामों से इसको जाना जाता है। और जो साइंटिफिक नेम है इसका, वो है पेडिलेंथस के नाम से इसको जाना जाता है। तो इसकी जो पत्ती हैं, स्टेम जो है, ये देख रहे हैं आप, ग्रीन कलर की है, और ये पत्ती सुंदर सी इस तरह से हैं, ये देख रहे हैं आप, ऐसे वेरीगेटेड ये इस तरह से हैं। ये एजिस जो इनके हैं वाइट और भी से ग्रीन और वाइट इस कलर के हैं, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो सर्दियों में इनका जो कलर है थोड़ा रेड हो जाता है, तो भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। अभी भी कुछ कुछ ये जैसे रेड कलर के हैं बीच बीच में। तो इसको लगाना बहुत ही आसान है और इसकी केयर भी कुछ खास नहीं करनी पड़ती। कुछ खास क्या, मैं अगर कहूँ, अपने एक्सपीरियंस से कहूँ, तो इसकी केयर बिल्कुल भी नहीं करनी पड़ती। बस कुछ एक बातों का ध्यान रखना पड़ता है, अगर आप उन बातों का ध्यान रखते हैं तो ये आपका आपके घर में ये प्लांट जो है सालों साल चल सकता है। तो इसे आप इंडोर भी लगा सकते हैं और इसे आप आउटडोर भी लगा सकते हैं, तो ये सालों साल चलने वाला ये एक जो सकुलेंट प्लांट, ये पेरिनियल प्लांट है। तो ये तो रही कुछ एक बातें। तो अब जो इसके बीच में हर हिस्से में अगर आप इसकी पत्ती को तोड़ते हैं, जहाँ आप इसकी स्टेम को तोड़ते हैं, तो इसके बीच में जो मिल्की सैप निकलता है वो जो है पॉइजनस होता है ये प्लांट। तो उसमें उससे क्या है कि जैसे आप इसकी कटिंग लगाते हो, कटिंग से ये बहुत ईजिली ग्रो हो जाता है, तो आप ध्यान रखें कि जो इसका मिल्की सैप जो दूध निकलता है, अगर आपके हाथों को टच करता है, स्किन को टच करता है, तो आप फौरन जाके अपने हाथ पहले अच्छे से साफ कर लें। और ऐसे अभी सुना गया है कि अगर इसका दूध जो है आईज़ में चला जाता है तो ब्लाइंडनेस होने के भी चांसेस रहते हैं, तो इसलिए थोड़ा इस बात का ध्यान रखें। तो पॉइजनस तो है ये, पर ये एक मेडिसिनल प्लांट भी है। ये जो ये है, इसकी खूब सारी वैरायटी हैं, आप नेट पे देख सकते हैं, पर ये मेडिसिन बनाने के भी काम आता है। जैसे कि कुछ एक मैं बताती हूँ, दांत का दर्द होता है, कान का दर्द होता है, और अस्थमा वगैरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, जो और भी कोई कई सारी जो होती हैं बीमारियाँ होती हैं, डिजीज़ होती हैं, तो उसमें इस प्लांट का जो इस्तेमाल होता है। तो ये आप सोच के ऐसा ना करें कि आप इसको खाने लग जाएं, तो ये बिल्कुल ऐसा काम नहीं करना है आपने। और जब आप इसे लगाओगे तो अपने बच्चों को भी इसके बारे में ज़रूर जानकारी देनी है।
तो ये तो रहा इस प्लांट के बारे में, ये चीज़ें रही। और कटिंग से लगाना है इसको बहुत ही आसान है, बहुत ही। आप इसे छोटी से छोटी चीज़ में लगा सकते हैं, और आप तो चाहे इसे किसी बड़े पॉट में भी लगा सकते हैं, उसमें भी इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छे से होती है। तो मेरे घर में ये जो प्लांट है, ये करीब 14-15 साल से है ये। तो मैंने जब अपना एक कैक्टस गार्डन, छोटा सा टाइनी कैक्टस गार्डन बना रखा हुआ था कुछ साल पहले, तो उसमें मैंने ये जो इस प्लांट की जो ये है, छोटी छोटी कटिंग करके मैंने बॉर्डर दे रखा हुआ था उस टाइनी गार्डन के लिए, जो मैंने बॉर्डर दिया था छोटा छोटा करके। और फिर मैं इसे बढ़ने नहीं देती थी, वैसे तो इसकी जो हाइट है वो 3 फीट तक हो जाती है, और ये सीधे सीधे चलने वाली श्रब है। पर इनकी ये है कि जैसे ये टहनियाँ, ये छोटी छोटी ब्रांचेस निकलती रहती हैं, अगर चिड़ियाँ वगैरह बैठती हैं तो उसी तरफ ये झुक जाती हैं, मतलब इतनी नरम मुलायम ये होती हैं, इस तरह से होती हैं, ऐसे फैल जाती हैं। तो फिर मैंने जो अपने घर की जो पुरानी थोड़ी सी स्मॉल पिक्स डाली हुई थी, उसमें वो बॉर्डर दिख रहा होगा, जहाँ ये वाला प्लांट भी दिख रहा होगा, वो 12-13 साल पुरानी पिक्स थी, थोड़ी सी ओल्ड पिक्स, तो मैंने वो डाली हुई थी, उसमें एक वीडियो बनाया हुआ था। तो उसमें इस प्लांट को मैंने कई तरह से इस्तेमाल किया था, तो मैंने अपने घर के बाहर भी इसको लगाया हुआ था। तो घर के बाहर जब हम लगाते हैं, ख़ास करके गर्मियों के दिनों में, जो है इसकी ज़्यादा ये धूप जो है इसको पसंद नहीं है, तो जिन जगहों में ज़्यादा गर्मी रहती है, बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, तो इसको वो सेमी शेड में रख सकते हैं, जहाँ पे थोड़ी देर धूप आए और बाकी छाया रहे, तो उस जगह में ये बहुत अच्छे से चलता है। और पानी की, जैसे कि आपने पॉट में लगा रखा है, तो आप इसको दूसरे तीसरे दिन भी पानी दे सकते हो, अगर जब इसकी पत्तियां बेंड होने लगें और आपको लगे कि थोड़ा सा ये पौधा हमारा सूखा सूखा लग रहा है, तो अपने आप ही पता चल जाता है कि इसको पानी की ज़रूरत है और पानी देना है। तो मिट्टी जो इसकी है वो मॉइस्ट होनी चाहिए, तो यही सब आपने करना है। तो लगाना इसको बहुत ही आसान है, बहुत ही इजीली तरीके से ये चल पड़ता है, पर ग्रोथ जो होती है इसकी वो बहुत ही स्लो होती है, बहुत ही धीमे धीमे ये बढ़ता है। तो मैंने जब वो अपने टाइनी गार्डन जो मैंने उसका कैक्टस का बना रखा हुआ था, तो मैंने इसको पूरा बॉर्डर जो दिया हुआ था, इनकी कटिंग करके इतनी इतनी, बस इतनी इतनी कटिंग करके, इससे ज़्यादा मैंने बड़े नहीं होने दिया था इसको। और जब थोड़ी सी बड़ी होती थी तो मैं ऊपर से काट देती थी, तो इस तरह से बस इतने साइज़ का बॉर्डर था, वो पूरा तीनों तरफ दे रखा हुआ था मैंने, और बीच में मैंने कैक्टस लगाए हुए थे। तो चूंकि ये भी यूफोरबिया की फैमिली से है, तो मुझे लग रहा था कि ये लुक ज़्यादा अच्छा आएगा, बॉर्डर अच्छा लगेगा, उसके साथ मैचिंग मैचिंग हो जाएगा। और इसको ज़्यादा, जब कैक्टस में ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती थी, तो मैं इसमें भी फिर पानी नहीं डालती थी, तो सारे प्लांट्स एक जैसे लगा रखे हुए थे। बट फिर मेरे किसी फ्रेंड ने कहा कि जैसे ये मिल्की सैप वाले जो प्लांट्स होते हैं, दूध वाले जो जितने भी कैक्टस या इस टाइप के सपलेंट्स होते हैं, तो इनको घर में नहीं लगाना चाहिए। तो फिर कुछ टाइम के लिए मैंने उन सबको निकाल दिया था, पर फिर ये मुझे इतना प्यारा, इतना अच्छा ये लगता है कि मैं इसको लगाने का जो मोह त्याग नहीं पाई। और कुछ टाइम के बाद फिर मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ से फिर इसकी कटिंग लेके आई, और मैंने तब इसको दोबारा ग्रो किया, ये भी काफ़ी टाइम हो गया। तो लास्ट ईयर जो पुराने मेरा जो पॉट था, उसमें ये खूब फैल चुका था और लंबा हो चुका था, ऊपर ब्रीक ब्रीक जैसी जो इसकी शाखाएं बन चुकी थी और टेढ़ी मेढ़ी और ऐसे लटक गई थी। फिर मैंने उनको काट के कुछ इस तरह से, मैं ये बता रही हूँ, इस पॉट में ये इस तरह से इस पॉट में लगाया है। तो ये सिर्फ एक नहीं है, एक ब्रांच नहीं है, तो मैंने अपने जो उस पॉट की ये कितनी है, ये अभी निकाल के बताती हूँ मैं आपको जरा। ये इस तरह से, ये देखिए आप, ये इस तरह से, ये एक दो, और ये दिख नहीं रहा,
तीन चार पांच छह मैंने ब्रांचेस इकट्ठी लगा दी। और एक जो कपड़ा है मैंने ये मल्चिंग के तौर पे, अगर मुझे याद नहीं रहे ध्यान नहीं रहे, तो इससे मॉइस्चर बना रहता है मिट्टी में ताकि ये सूखा ना। तो ये देखिए ये नीचे से भी ये आ रहे हैं, ये फूट रहे हैं ना, ये देखिए इस तरह से है ये प्लांट। इसके फूल देखिए, फूल तो बहुत ही सुंदर इसके लगते हैं, ये फूल फूल देख रहे हैं आप। तो वो सेंटर में भी एक फूल काफ़ी दिनों पहले आया हुआ था और फिर वो लंबे टाइम तक टिके रहते हैं, वो झड़ गया। मैं अभी आपको पॉइंट करके दिखाती हूँ, जैसे ये फूल देख रहे हैं, ये एक साइड से ये और एक साइड से अब ये निकल रहा है और ये नीचे ये निकल रहा है, ये और एक ये और एक इसका ये फूल आ रहा है, ये देखिए। वैसे तो ये माना जाता है कि जो इसके ये फ्लावर्स होते हैं वो लीव्स की ही मॉडिफिकेशन होती है। ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं, मैं अच्छे से ये फोकस नहीं कर पा रही हूँ। तो अगर आप अपने घर में इसको रखते हैं तो आपको कुछ भी केयर करने की इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप गर्म जगह में हो रहते हो तो आप ऐसी जगह में इसको रखिए, खास करके गर्मियों वाले दिनों में, जब गर्मियों का मौसम आता है तो इसको आप ऐसी जगह में रखिए जहाँ पे थोड़ी देर अगर धूप आती हो और फिर छाया ही रहती हो। अगर पूरी छाया भी रहती हो तो भी ये आराम से चलता है। और सर्दियों में इसे आपको जो है आप कुछ कुछ दिनों बाद इसको पानी दे सकते हैं, रोज़ पानी देने की इसको ज़रूरत नहीं है ये। और ज़्यादा पानी होने से जो है इसकी रूट्स जो हैं वो गल सकती हैं और ये प्लांट जो आपका ये ख़त्म हो सकता है। तो ये इस तरह से ये मैंने अपने पुराने पोट में से निकाल के फिर इसमें नए पोट में इसको ग्रो कर दिया था, क्योंकि वो काफ़ी लंबा हो गया था। ये कुछ ऐसे, और जो सॉइल जो इससे ज़्यादा अच्छी लगती है वो सैंडी सॉइल में इसे लगाएं, ताकि जो ड्रेनेज सिस्टम जो है बहुत ही बढ़िया होना चाहिए, पानी रुकना नहीं चाहिए। अगर मेरे भाई बहन जो ठंडी जगहों में रहते हैं वो इंडोर लगाना चाहते हैं तो वो सन्नी विंडो में इसे रख सकते हैं, तो ये बहुत अच्छे से वहाँ पे चलेगा। और पानी इसको, क्योंकि अगर इंडोर रखते हैं तो जो पानी है मॉइस्चर है इसका जल्दी सूखता नहीं है, तो फिर इसे आप कुछ कुछ दिनों बाद ही जब पानी की ज़रूरत हो तभी इसको पानी दें। तो इसे हर रोज़ पानी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए कितना सुंदर प्लांट है और इसके फूल तो बहुत ही खूबसूरत ये लगते हैं। और किसी को ये स्लीपर की शेप में लगते हैं, ऐसे स्लीपर बने हुए हैं, तो स्लीपर फ्लावर नाम दे दिया इसको। तो पता नहीं क्या क्या बहुत सारे ढेरों नाम हैं इस प्लांट के। और ये देखिए ये जैसे मैंने ज़िगज़ैग दिखाई थी ना इसकी स्टेम, ये उसी तरह से ये। तो इसको लगाना बहुत ही आसान है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ और मैं कुछ आपको अपना एक्सपीरियंस भी बताऊँगी। तो ये जैसे कटिंग लेके, अभी मैं दिखाती हूँ आपको, इसकी कटिंग को आपने कहीं से भी काट लेना है। जैसे ये नीचे आ रही हैं, अगर मैंने तो एक इसमें लगाई होती, एक कटिंग लगाई होती तो वो ऐसे सीधे सीधे, अब ये इसमें से जो साइड साइड से ब्रांचेस निकल रही हैं तो इनको फैलने की जगह नहीं मिल रही है, तो फिर ये साइड में, जैसे ये लगा है, ये साइड में मैंने ये लगा रखी हुई है ना, ये कितनी सारी मैंने लगाई हुई हैं ताकि ये जो पोट है वो बराबर आ लगे। तो आप यहाँ से कट कर लें, ये ऐसे कट कर लें, बस इस तरह से ये कट कर लें, ये कट करके और ध्यान से इसका मिल्क आपकी स्किन को ना लगे, और अगर स्किन पे टच करता है तो फिर स्किन इरिटेशन की प्रॉब्लम हो जाती है और रैशेज पड़ सकते हैं,
और दूसरी बात ये है कि अगर मुंह में चला जाए तो ये ऐसे, बस मैं इसी में बता रही हूँ आपको, ऐसे आप होल्ड कर लें और फिर इसको इस तरह से, और मुंह में चला जाए तो मुंह में प्रॉब्लम हो सकता है, गले में प्रॉब्लम हो सकता है, इरिटेशन हो सकती है। ये लो बस ऐसे इस तरह से, और इसको हल्का पानी डाल देना है। तो ये मिट्टी मेरी मॉइस्ट है, मैंने आज इसमें पानी डाला था, तो मुझे पानी देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत ही आराम से चल पड़ता है, तो इसलिए इसकी कोई ज़्यादा केयर करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है कि आपको कुछ ज़्यादा केयर करनी है इसकी। जब कटिंग आप लगाते हो तो इसको थोड़ा अपने छाया में ही रखना है। और सबसे बड़ी बात, इसकी कटिंग को आप किसी भी सीज़न में लगाइए, सर्दियां हो, गर्मियां हो, बरसात हो, जो भी मौसम हो, इसकी कटिंग इजीली चल पड़ती है। अब ऐसा नहीं कि भी आपको स्प्रिंग सीजन में ही लगानी है, या ऐसा नहीं कि आपको जो इसकी कटिंग लगानी है वो बरसात में ही अच्छी चलेगी, ये किसी भी सीजन में अच्छे से चल पड़ती है, और ये इंडोर भी बहुत ही अच्छे से चलता है। तो ये रही इस प्लांट की बातें। तो मुझे जैसे आदत है ये छोटी छोटी चीज़ों में, छोटी छोटी चीज़ों में कोई कटिंग लगाने की, कुछ लगाने की, तो ये जो प्लांट है तो ये छोटी छोटी चीज़ों में भी बहुत ही आराम से पानी में भी चल पड़ता है। तो मैंने इतने छोटे छोटे ये स्मॉल साइज़ के ये इस तरह से ये फ्लावर वास ले रखे हुए हैं, और इस टाइम मैंने नहीं बनाया हुआ है, तो इनकी छोटी छोटी कटिंग करके मैं इतना सा पानी भर के और इसमें 3-4 कटिंग लेके मैं डाल देती हूँ, और कुछ दिनों के बाद अपने आप ही वो रूट्स बनती रहती हैं, और आप कहीं भी इसको रख दो तो अपने आप ही वो चलना स्टार्ट हो जाती हैं। ये है कि अगर सूरज की रोशनी इनको नहीं मिल रही है तो वो थोड़ा, ये ज़्यादा वाइट कलर, ज़्यादा ग्रीन नहीं होता है, वाइट कलर दिए हुए होती हैं। तो अगर आप थोड़ी सी भी रोशनी अंदर कहीं आ रही हो आपके घर के, तो आप थोड़ा सा पानी डाल के इनको इजली आप चला सकते हैं, और बड़े ही आराम से ये चलती हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे कि ये एक स्टेम ये काट लो, ये यहाँ से काट लो, ये इतनी सी काट लो, जितनी आप छोटी काटोगे उतनी जल्दी इसमें ये काट ली मैंने। तो ये इस तरह से मैं 4-5 काट लेती हूँ, और ऐसे मैं इसमें पोट में रख देती हूँ। इसको पत्तियों को तोड़ने की ज़रूरत भी नहीं है, ये इस तरह से 4-5 छोटी छोटी बना के ये रख दी, अच्छी वाली रख दी, और इतना पानी डालना, पूरा नहीं डालना, तो इसमें अपने आप ही रूट्स आना स्टार्ट हो जाती हैं और ये बढ़ना स्टार्ट हो जाती हैं। तो एक बात मैं बताऊं, जब भी ये प्लांट आप अपने घर में लगाओ तो अपने बच्चों को इस प्लांट के बारे में ज़रूर समझा दो। तो मुझे लगता है कि जैसे मेरी फ्रेंड ने कहा कि ये मिल्की सैप वाले जो प्लांट्स हैं घर में नहीं लगाना चाहिए, तो यही लॉजिक रहा होगा कि छोटे बच्चे घरों में रहते हैं तो जो स्किन इरिटेशन और भयंकर रूप से ये भी सुना गया है कि जो रैशेस पड़ जाते हैं, और सबका सब पे सबके ये नहीं कि भी सब पे ये इसका असर होता है, कई कई लोगों पे कोई काफ़ी असर होता है और कई कईयों पे नहीं होता है, वोमिटिंग वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है, तो इस तरह से बहुत सारी ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये मेरा खूबसूरत प्लांट, और मैंने इसके बारे में बता दिया, और सबसे बढ़िया चीज़ जो इसके मुझे ये फ्लावर्स बहुत सुंदर, ये देखो लग रहे हैं देखने में बहुत ही खूबसूरत। होप करती हूँ कि आज का मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, और जो मेरे भाई बहन इसको लगाना चाह रहे होंगे तो वो लगा सकते हैं। बस छोटे बच्चों को, अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको इसके बारे में ज़रूर बता दें, चाहे आप अगर छाया में और थोड़ी धूप आती है आपके पास क्यारी है तो आप इसका बॉर्डर बना सकते हैं, क्योंकि मैंने बनाया हुआ था तो ये बहुत ही सुंदर लगता है। और अगर आप ज़्यादा बड़ा नहीं रखना चाहते बॉर्डर को, तो आप कभी भी इसकी प्रूनिंग कर सकते हो और उतने साइज़ का इसको रख सकते हो, और ये फिर झाड़ियाँ जो हैं घनी हो जाती हैं, बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। और चाहे तो इसको बाहर लगा दो, क्योंकि जानवरों को भी जो है ईश्वर ने एक समझ दे रखी होती है, अगर बाहर लगाते हैं बाहर भी ये अच्छे चलते हैं, खास करके सर्दियों के मौसम में। मेरे यहाँ गर्मी बहुत होती है तो
गर्मियों में फिर वो खाली डंडियां ही रह जाती हैं, तो वो देखने में सुंदर नहीं लगती। तो बाहर जब मैंने इसका बॉर्डर लगाया हुआ था तो जानवर भी नहीं इस प्लांट को खाते, तो हो सकता है इसमें कुछ स्मेल इस टाइप की रहती हो कि जानवरों को भी पता चल जाता है कि ये हमारे खाने लायक प्लांट नहीं है, जहाँ हमें ये नुकसान पहुँचा सकता है। तो ये रही मेरे पेडिलेंथस प्लांट के बारे में। तो होप करती हूँ कि जिन भाई बहनों को इस प्लांट को लगाना होगा वो आज भी लगा सकते हैं, कल भी लगा सकते हैं, कभी भी इसको ग्रो कर सकते हैं, चाहे इंडोर करिए चाहे आउटडोर, कहीं भी इसको रख सकते हैं, छोटे पॉट में करिए चाहे बड़े पॉट में। नमस्ते जी, अगली बारी मैं फिर किसी और नए प्लांट के बारे में या किसी और चीज़ के बारे में जानकारी लेके आऊँगी। धन्यवाद जी।